खत्म हो गया यार, डाल दी हूँ मैं। यही रहूंगी, नाक बन के डसती रहूंगी हर दिन। मैंने सोचा कि चलो सलमा ने दाल चावल बनाए, तो मैंने सोचा कि उसके घर ले जाए और उसके साथ शेयर किया जाए। सी अभी सलमा आएगी। दाल चावल मीठा। It will require a little fees. You're so hardworking, I see. What? You're so hardworking. Guys, Sundia? You are serious. I know. I should just take a photo for you in this plate. Okay. Oh, she is so pretty. चावल एंड घी, हल्दीराम का जो ये पैकेट है, सोन पापड़ी इलायची वाली फ्लेवर, तो उसको मैंने ओपन थोड़ा सा, ऑफ कोर्स थोड़ा सा, देखो मच्छर जीने नहीं देते, बस टुक स्मॉल पार्ट ऑफ सोन पापड़ी एंड आई एम गोना हैव दिस। एक्जेक्टली खत्म हो गया यार, डाल दी हूँ मैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो हैप्पी संडे टू यू गाइस। तो मुझे तो आज मेरा संडे है, मेरा कोई प्लान नहीं है क्योंकि आज मैंने प्लान कुछ बनाया ही नहीं है क्योंकि आई गॉट माय पीरियड्स। यू कैन फील मी गर्ल्स, राइट? तो बेसिकली मैं अभी चाय बना रही हूँ और तो वो बेसिकली आज मेरे लिए पराठे बना रही है चाय के साथ खाने के लिए, और मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ। गाइस, सलमा अपने पराठों के साथ आ चुकी है और चाय इज ऑल्सो रेडी। ये अभी दवाई ले रही है, बीमार मरीज। तो ये रही हमारी इरम उर्फ सलमा। तो हम लोग चाय के साथ पराठा और चर्चा करेंगे। यस, चाय पराठा एंड चर्चा। चेट राउंड, इसको पूरा रोल बना के ना लाइट लेने का। अभी चाय हमारे घर में आंगन है, ठीक है? आंगन के जस्ट सामने ही हमारा किचन है घर में, ठीक है? तो हम लोग जैसे आते, जैसे कि मेरा रूम, मतलब हमारा, मतलब मेरा और सिद्धू का रूम अलग से, मेरी दीदी का रूम अलग से, ठीक है? तो कैसा लग रहा है कि हम लोग लेट हैं और सबसे ज्यादा लेट मैं उठती हूँ मेरे घर में। मतलब मेरे को थोड़ी सी ना फ्रीडम दी हुई है, मतलब मैं थोड़ी सी पैम्पर्ड हूँ। मतलब बोलते नहीं है बट स्टिल आई एम पैम्पर्ड। ये सब पहले नीचे आते हैं, आई लव माय होम, घर तो ठीक है, बात अलग होती है। तो मतलब जब भी मैं जल्दी उठ के जब नीचे जाती हूँ ना, नीचे घर के नीचे, मतलब घर आंगन के, तो हम लोग आंगन में सब बैठते हैं, हम सब बच्चे, इफ मेरी बहनें भी आई हुई होती है तो हम लोग चारों बच्चे बैठते हैं। फिर उसके बाद मम्मा ना चाय लेकर आती है और पापा भी बैठ जाते हैं हमारे साथ में, ठीक है? आंगन में ही हम लोग बैठते हैं। फिर मम्मा नहीं पीती हमारे साथ, मतलब मम्मी को है, मम्मी पहले पी लेती क्योंकि मम्मी को ना, मतलब सुबह सुबह नहीं, मम्मी भी ऐसी करती, पहले पी लेती है फिर सबका करती है। एग्जैक्टली, क्योंकि मम्मी ना बहुत जल्दी उठती है, मम्मी उठते ही यू नो वो जो है, तो वो क्लीन करेगी सबसे पहले, फिर घर में पूरा झाड़ू, मतलब ज़रूरत नहीं होती फिर भी झाड़ू निकालेगी, किचन को वापस से क्लीन करेगी, ना बहुत ही सॉर्टेड है मेरी माँ। हमारे कहते ना कि हमारे रूम में ना अलार्म है कि नीचे से ना मम्मी टिंग 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 बजा बजा के ना उठाती है, मतलब बोलेगी नहीं, मम्मा को पसंद नहीं है सुबह सुबह बोलना। सही बात है। या तो हम नीचे जाते हैं, फिर उसके बाद मम्मा चाय देती है और चाय के साथ पराठे। मम्मी जो डिलीशियस सुबह सुबह जो बनाती है ना भाई, गॉड। फिर वो खाने के बाद, फिर उसके बाद मम्मा को हेल्प करते हैं हम सारे बच्चे, अगर दीदी बोलती है, मेरी मम्मी बोलती है
कि वीडियो बना के गलत काम तो नहीं कर रही है, मतलब मम्मी को ऐसा लगता है कि वीडियो बनाना गंदी बात होती है। अरे ओपन प्लेस नहीं चाहती कि तुम्हें क्रिटिसिज्म मिले और तुम हर्ट हो। एग्जैक्टली, तो मम्मी मेरे को नजर तो नहीं लग गई, तो मम्मी मुझे इतना गंदे लुक में देखती है थोड़ा, मम्मी बोलती अच्छा तेरे को नजर लगी थोड़ी, यही रहूंगी नाक बन के डसती रहूंगी हर दिन। आप रे हम मतलब होते ना कि पीठ पकड़ पकड़ के हंसते हैं। मेरी मम्मा जो पापा को जो रोज करती है, ठीक है, द वे शी रोज मेरे पापा, वो तो बहुत खतरनाक है। और मेरे पापा इतने स्मूथ है ना उस चीज को, मतलब ऐसा नहीं कि कैसे बोल रही है, मतलब होता है कि मेल ईगो है कभी नहीं, ही इज लाइक कि मतलब हम कभी भी झगड़ा भी होता है ना मम्मी पापा का, तो दे आर लाइक यू नो पापा हमेशा ऐसे बोलते हैं बेचारी थकी हुई है इसीलिए वो बोल देती है, ही नेवर सेड कि ऐसे कैसे बोल सकती तेरी माँ, हमेशा मतलब होता है ना मैं पापा को बोल देती हूँ हाँ पापा यार सॉरी है ना मम्मी ऐसे बोलती रहती है, तो मुझे पता है तू मुझे मत बता, वो सबसे प्यारी इंसान है। आज मैं खा रही हूँ, आई विल टॉक टू यू लेटर ओके। आज मैंने मम्मी पापा की इतनी बात कर ली है ना, क्योंकि देख रहे हो ना मैं इतना मिस करती हूँ। और फिर मेरी माँ है, ये मैं हूँ, और ये हमारी चाय की पारी हो रही है। हेलो गाइस, तो शाम के 5:30 बजे हुए हैं एंड आपको तो पता है मैं कितनी चाय पीती हूँ, क्योंकि यू नो चाय पीने के बाद मुझे बहुत एनर्जी मिलती है। साथ ही साथ मैंने भेल बनाई है, लेट्स अनबॉक्स दिस। इसके अंदर गुड़ की स्मेल क्यों आ रही है भाई, यार मेरे को याद नहीं है बट इसके अंदर पता है क्या है, गोंद रहता है ना गोंद, लाइक पता रहेगा कि गोंद के लड्डू भी बनते हैं सर्दियों में लोग खाते हैं। पुटिंग इट बैक, आई हैव दिस एंड विथ भेल मुझे यार ना बहुत ही मूड स्विंग्स हो रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा कुछ चटपटा देसी वाली चीज़ें खानी चाहिए। सो आई हैव नो आइडिया वाई डिड आई ऑर्डर दिस, मेरे को ये मैंने क्रिस्पी पनीर मोमो मंगवाए हैं विथ दिस चटनी, आई गॉट दिस चटनी विथ इट एंड दिस इज़ अ डाइट कोक, तो आई एम गोना हैव दिस। मैं कभी भी मोमोज वगैरह नहीं खाती हूँ, मैं ऐसे कभी भी सोचती भी नहीं मोमोज खाने का, बट नो आइडिया मुझे कुछ पता ही नहीं था कि एकदम से जोमेटो किया और खोला मैंने द मोमोज फैक्ट्री, गई एंड मैंने वहाँ से मोमोस ऑर्डर कर दिए। ये है, ये मुझे पड़े 200 के अराउंड क्रिस्पी, ये ना मतलब तले हुए क्रिस्पी पनीर मोमो, और उन्होंने मुझे इसके साथ एक चटनी दी है, क्योंकि पहली बार भूमि ने देखो चटनी कुछ ऐसी है। कोक भी ऑर्डर किया था क्योंकि ऑब्वियसली यार कुछ खाने से कुछ खाने के साथ साथ कुछ तो खाना चाहिए। वो देखो एकदम से क्रिस्पी है, चलो खा के देखते कैसा लगता है ये। कैबेज का आ रहा है, मतलब पनीर की इतनी ज्यादा फीलिंग मुझे लग नहीं रही है, और चटनी ओके ओके, उन्होंने पनीर सही से डाला ही नहीं है, उन्होंने मिक्स मैच करके दिया है कैबेज के साथ, आई डोंट लाइक कैबेज, सो आई एम गोना रेट दिस मोमो क्रिस्पी पनीर मोमो 10 out of 7। और मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ स्पाइसी चैलेंज करने वाली हूँ, शायद मैंने कभी कोरियन नूडल्स ट्राई नहीं किया है, आई हैव नेवर डन दैट, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोरियन जो स्पाइसी नूडल्स रहेंगे वो मैं ट्राई करूँगी। आई एम गोना कुक दिस एंड आई एम गोना हैव दिस। बहुत हैवी है मेरे लिए खाना, दैट्स इट, बाय बाय।